नमस्कार, मैं सृजन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं डिजिटल टॉक शो में। आज हमारे मध्य शहर का एक लोकप्रिय चेहरा हमारे शो में का मेहमान बना है, जिनका नाम है लखन गंगोरिया जी। लखन जी, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने शो में। लखन जी जो कि पूर्व क्षेत्र के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और कांग्रेस में एक अच्छा खासा नाम है, एक जाना माना चेहरा है। जो भी युवा शहर में, प्रदेश में, देश की राजनीति करने को इच्छुक होता है, मन में उसकी आकांक्षाएं होती हैं, वह जबलपुर शहर का युवा सबसे पहले लखन गंगोरिया जी को आदर्श मान के राजनीतिक परिपाटी में आने के लिए इच्छुक होता है। ऐसा क्या है लखन जी? ऐसा क्या है कि लगता है जिस फील्ड में जो रहे बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहे जी। समाज सेवा का फील्ड हमने चुना है जी, वो छात्र जीवन से चूंकि निरंतर सक्रियता बनी रही, वो स्वाभाविक रूप से आप सक्रिय रहेंगे तो लोगों के बहुत से काम करेंगे, लोगों की बातों को समझेंगे, लोग आपको समझेंगे। हमने भी इस शहर में किसी को छात्र जीवन में अपना आदर्श मान के आगे बढ़े थे जी, और बहुत कुछ चीज़ें आदमी देख के सीखता है, कोई सिखाए ना सिखाए, लेकिन यदि कोई चीज हमको सीखना है तो हमको सीखना चाहिए जी। लगभग याद है जब चुनाव में पराजय के बाद एक युवाओं का एक बहुत बड़ा दल आपके घर के बाहर दुखी मन के साथ खड़ा हुआ था। ऐसा दृश्य देखने के बाद यही महसूस होता है कि युवाओं के मन में आपके साथ जुड़ने की क्या भावनाएं रहती हैं, और ऐसा कौन सा कार्य आप युवाओं के लिए सतत रूप से करते रहते हैं कि आपको वो अपना आदर्श मानते हैं? 80 के दशक से जो शुरू किया वो सारी चीजें आज भी मेंटेन है। युवाओं का की समस्या को यदि आप भली भांति अच्छे से समझेंगे, युवाओं के लिए निकलेंगे, तो स्वाभाविक है कोई भी वर्ग हो समाज का, जिसके लिए आप करेंगे वो आपके साथ खड़ा होगा, आपको अपना आदर्श मानेगा। जिस संगठन से आप जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी, अस्तित्व में इस समय कम दिख रही है, प्रदेश और देश में हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमको ये बात बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जी कि इस देश की आजादी में सबसे अहम भूमिका कांग्रेस की रही है। और अहम भूमिका क्या मतलब, सिर्फ और सिर्फ भूमिका कांग्रेस की रही है। बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत लंबा जीवन है कांग्रेस का, और सत्ता में भी, आजादी के बाद सत्ता में भी लंबे समय कांग्रेस रही है। ये दौर आते जाते रहते हैं जी, और आजादी के बाद भी एक नहीं तीन गांधियों का बलिदान दिया है देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता को बनाए रखने के लिए और देश के रचनात्मक विकास के लिए, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे वो राष्ट्रनेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो, और चाहे वो पुरुष राजीव गांधी हो। तो उस समय 56 इंच की छाती की बात नहीं होती थी जी, जज्बा होता है छाती पे गोली खाने का, देश पे मर बचने का जी। ये दौर आते जाते रहते हैं, और ये दौर पहली बार नहीं आया कांग्रेस के काम जी, है ना। धुप्पल में तो खोटा सिक्का भी चलता है जी। 77 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी को सत्ता से बेदखल किया, कांग्रेस को पूरे देश में एक खलनायक घोषित किया गया जी। लेकिन परिणाम बाद में क्या हुए, 3 साल के अंदर देश ने फिर उन्हीं इंदिरा जी को स्वीकार किया, इंदिरा जी की नीतियों को स्वीकार किया। उसके बाद 89 में हुआ मोबाइल से लेकर कंप्यूटर, इसमें हमको घेरा गया। अटल जी ने सदन में, वो आडवाणी जी ने बोला कि कंप्यूटर लाके राजू जी क्या करना चाहते हैं, देश के मजदूर और किसान बेरोजगार हो जाएंगे जी। अटल जी ने कहा था कि एक जादू की डिबिया राजू जी कौन सी दिखाना चाहते, मोबाइल को कहा था। आज आदमी खाना भूल जाएगा लेकिन मोबाइल नहीं भूलता, कंप्यूटर पे पूरी व्यवस्थाएं आश्रित हो गई। बोफोर्स पे हमको घेरा गया, कारगिल की सबसे अच्छी तोप रही बोफोर्स, 92 में हम फिर वापस आए। लखन जी, अर्थात इतना बड़ा योगदान कांग्रेसियों का राजनीति में, राजनीतिक परिपाटी में लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश के लिए रहा, परंतु क्या कांग्रेसी इन योगदानों को जनता के मध्य भुनाना भूल गए हैं, आपको ऐसा क्या लगता है? क्योंकि पिछले 12 सालों से प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, 2.5 साल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा को एक मत वोटों से जनता ने चुना था। आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेसी भुना नहीं पाते, कांग्रेसी मार्केटिंग नहीं करते,
है ना, मार्केटिंग आज के दौर में जरूरी है, ये इस दौर ने दिखा दिया तो मार्केटिंग जरूरी है। जहां तक इतिहास में हम जाए तो कांग्रेस के लोगों ने जो किया वो सामने, और आर्थिक रूप से हमको ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि ये तीसरा टर्म हमने 77 का बताया, 89 का बताया, अब ये तीसरे टर्न पे वही मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियां जो उन्होंने इस देश को आर्थिक मंदियों में भी उबार के ले गए थे, और यहाँ तक विश्व की महाशक्ति अमेरिका को भी आर्थिक मंदी में उबार के ले गए थे, उन्हीं मनमोहन सिंह जी को अब फिर पूजा जाएगा। क्योंकि ये बात स्पष्ट हो चुकी है अब कि काले धन, आतंकवाद और भ्रष्टाचार तीनों के नाम लेके जो नोटबंदी की गई जी, ये पूरी तरीके से फेल हो गई है। अब आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं तो उनके पास नए नोट मिल रहे हैं। नोटबंदी पर अभी लखन जी हम आएंगे, हमारा सिर्फ अभी कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को लेकर सवाल है। कांग्रेस पार्टी को कहीं कांग्रेसी तो नहीं ले डूब रहे हैं गुटबाजी, अक्सर गुटबाजी का माहौल ज्यादा देखने को मिलता है लखन जी। हमसे ये तो कह, जो जितना सामर्थ्यवान होता है, जितना सक्षम होता है जी, उसमें उतनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं जी, अच्छा विचारों में अलग अलग मतभेद होते हैं जी। कांग्रेस एक ऐसी पवित्र विचारधारा है जो एक बहुत बड़े समुद्र के रूप में है, थोड़ी बहुत तो स्वाभाविक है, और कांग्रेस जब से बनी तो नरम दल गरम दल भी उसमें रहा है जी, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। और कांग्रेस के जहाँ तक अस्तित्व की बात है, कांग्रेस का 130-132 साल का इतिहास है, कांग्रेस कभी खत्म नहीं होती, और मिट गए वो जो कहते रहे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, वो मिट गए जी, अर्थात कांग्रेस का अस्तित्व तो बना रहेगा, कांग्रेस अपनी विरोध प्रदर्शन करके उपस्थिति दर्ज कराती रहेगी। बहुत सीधी सी बात है कि कांग्रेस आंदोलनों की जननी रही जी, अंग्रेजों के समय कांग्रेस ने आंदोलन किए, आंदोलन कांग्रेस की मानसिकता में जी, और सब कोई आवाज सुने ना सुने कितने दिन तक नहीं सुनेगा जी। कांग्रेस जब अंग्रेजों से लड़ी है तो फिर इन जो ढोंगी प्रपंची पाखंडी लोग हैं इनसे लड़ने में बिल्कुल नहीं डरती। विपक्ष की भूमिका में होने के बाद विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कांग्रेस क्या अच्छे से कर रही है, आपको क्या लगता है? दोनों चीजों में बहुत अंतर है। प्रश्न मेरा पूछना है, जैसे कि अगर हम नगर निगम सदन की बात जबलपुर की कर लें, सेकंड बात कर लें हम प्रदेश कांग्रेस की, थर्ड बात करते हैं हम लोकसभा में विपक्ष की। लोकसभा में नोटबंदी को लेकर फैसले को विपक्ष कांग्रेस मेहनत करते हुए दिख रही है, ऐसा अभाव प्रदेश में क्यों लगता है? प्रदेश में कब कांग्रेस एकजुट होकर कुछ विरोध प्रदर्शन एक बड़े स्तर पर करके दिखाएगी? नहीं, जबलपुर में क्यों कम दिखता है? नहीं नहीं, जबलपुर में अभी आप कह रहे हो तो ये बात गलत है। जबलपुर में भी नोटबंदी का जी सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ है जी, सिविक सेंटर से नोटबंदी को लेकर जुलूस निकला जी, जुलूस निकला, एक ज्ञापन घंटा घर पे कंट्रोल रूम के सामने दिया गया। उसके बाद ब्लॉक स्तर पे जबलपुर में, शहर की बता रहे हो, ब्लॉक स्तर पे हर ब्लॉक में इसमें प्रदर्शन हुआ है जी। अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था जी कि वो नोटबंदी के दुष्परिणाम क्या है, अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया है कि नोटबंदी के दुष्परिणाम क्या है। नोटबंदी तो एक अलग ही मुद्दा है, इसको लेकर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। शहर में लखन जी और भी समस्याएं दिखती हैं, लगभग विधायक महापौर बीजेपी के ही हैं, परंतु समस्याओं का अंबार अभी भी है। हाँ, ये एक चीज से हम सहमत हैं जी, चूंकि सत्ता पक्ष से भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जी जो पावर स्टेशन बन सके शहर में जी। अभी तक एक मंत्री हमारे यहाँ माननीय शरद सिंह जी, और वो उनका भी ये रहता है कि वो किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए सरकारी तंत्र के ऊपर वो ढंग से जी काबिज नहीं हो पाए, ये सबसे बड़ी एक कमी रही है। तो विवादों में ना पड़ने के चक्कर में क्षेत्र की जनता का विकास नहीं हो पा रहा है, ये इस शहर का दुर्भाग्य है जी। अपन देखे पूरे शहर में जबलपुर नंबर वन लिख दिया गया जी, फ्लैक्स बस में। हाँ, फ्लैक्स बस में जी, और कामों भेज ये प्रदेश के किसी भी शहर में जाओ वहाँ लिखा है शहर का नंबर वन है ना। एक ये प्रतिस्पर्धा जो झूठी होती है जी, वो जबलपुर में चालू हो गई। इसमें फ्लैक्स को लेके मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फ्लैक्स के ठेकेदार थे, इन्होंने
जहां पर स्वच्छता की रैली की जाती थी वही फ्लैक्स लगाकर हर वार्ड में लगा दिए जाते थे। एक फ्लैक्स घोटाला भी है, एक बड़ा घोटाला है। अगर इस पे चर्चा की जाए तो कांग्रेस को एक विपक्ष की भूमिका इसमें अदा करनी चाहिए। लाखों जनता की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी है। हम शहर स्वच्छता की बात करते हैं, शहर नंबर 1, और आप कहीं भी चले जाओ कचरों का अंबार लगा हुआ है। जनता ने अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए चुना है पार्षद। यदि वो पार्षद 10 दिन से ये बात कहे कि हमारे क्षेत्र में एक नाली बज बजा रहा है, उसके लिए हमको जेसीबी चाहिए, 10 दिन से कहे और प्रशासन जेसीबी कारपोरेशन जेसीबी उपलब्ध न करा पाए, उसके बाद जब वो आक्रोश में आए, उस क्षेत्र की जनता आक्रोश में आए, तो प्रशासन चुने हुए जी जनप्रतिनिधि के ऊपर मुकदमा कायम करवा दे, तो ये कलई खोलता है जबलपुर नंबर 1 की स्वच्छता। यदि जबलपुर में स्वच्छता और साफ सफाई का अभियान अच्छा चलता तो शायद पार्षदों को ये नौबत ना आती। लखन जी, अगर नगर निगम की बात कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा, आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राममूर्ति मिश्रा जी, जिन्होंने खुले तौर पर नगर निगम कमिश्नर पर वेद प्रकाश जी के खिलाफ बड़े संगीन आरोप लगाए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो चाहे अतिक्रमण को लेकर हो। आपका क्या इसमें दृष्टिकोण है? बहुत जीवन भर उनने सेवा की है, इसलिए बड़े आक्रामक भी रहते हैं और बड़े तौर पे उनने और बात। जो बात वो कहते हैं वो बात को हवा में नहीं ली जाता जी, वो बात गंभीर भी होती है। हम राममूर्ति जी कह रहे इसलिए नहीं, लेकिन जो सच्चाई सामने दिख रही है, नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो हो रहा है जी, वो सब लोगों को शहर के अभी नहीं दिख रहा जी। उसके प्रचार में जो कुछ हुआ, जितना घोटाला जितना भ्रष्टाचार हुआ, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आने वाला समय नगर निगम जबलपुर को कितने गर्त में ले जाएगा ये चिंतनीय बात है। सिर्फ एक भौंग जो होता है राजनीति का, वो भारतीय जनता पार्टी करती आई। इसके पहले भी 2000 करोड़ रुपए मिला था, सीवरेज की स्थिति आपने देखी है, स्टैम वाटर ड्रेनेज सिस्टम में 374 करोड़ रुपए मिला था, उसकी स्थिति हमने देखी है। हमने मेट्रो बस के परिवहन पे जो JNORM से हमको मिली थी उसकी अपन ने स्थिति देखी है कि क्या स्थिति हो रही है। शहर की रोडों की क्षमता है वो बस चलाने की नहीं जी, दूसरे शहरों में उन बसों के लिए अलग रूट बने, लेकिन हमारे शहर में काम करने की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है किसी के पास। दूसरा, नगर निगम के पास इतने संसाधन नहीं है कि नगर निगम ये कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपनी नाकामी अक्षमता छुपाने के लिए प्रोपोगंडा करना, मार्केटिंग करना कि जबलपुर नंबर वन, लेफ्ट टर्न और ऐसी ऐसी चीजें कह देते हैं कि लोगों को थोड़ी देर लगता है कि जबलपुर सुधर रहा है, लेकिन आप उन बस्तियों में जाइए जहां अंदर गरीबी बस्ती है। इससे बड़ी विडंबना उसे इस शहर की क्या हो सकती है? अतिक्रमण के नाम पे एक भय का वातावरण पूरे शहर में बना दिया नगर निगम में। अतिक्रमण की चाहे जहां जैसी भी ले जाते हैं और सिर्फ वसूली। आपको याद हो सुपरमार्केट व्यापारियों के साथ जो स्थितियां बनी थी कुछ साल पहले, साल दो साल पहले की घटना है, शहर भर की जेसीबी उनके सामने खड़ी कर दी थी जैसे सीमा पे तोपे खड़ी कर दी जाती, परंतु उन्हें हटाया नहीं गया 2 दिनों बाद। उसके बाद इनका जितना लेन देन था जी, जितनी बार्गेनिंग थी पूरी हो गई, जेसीबी चली गई जी। इस समय नगर निगम में सिर्फ ये चल रहा और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो सत्ता में बैठे हैं उनको शहर की जनता आगे कभी माफ नहीं करेगी, उनको भी ये चीज सोचना चाहिए। अधिकारी आते हैं चले जाते, इसलिए हमारी प्राथमिकता भी होना चाहिए कि हम शहर को कितना स्वच्छ और कितना साफ रख पाए। ये सारी स्थितियां बिल्कुल भिन्न है। जो प्रचार जिस चीज का हो रहा वो सामने दिख रहा है, यथार्थ में हकीकत क्या है, हकीकत की जमीन पे आके लोग देखे तो समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। शहर के बासिंदे इस चीज को बखूबी अब समझ रहे हैं। अर्थात स्मार्ट सिटी के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है वह एक छलावा है आम जनता के लिए। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, और ये आम जनता को आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उनके साथ कितना बड़ा छलावा हुआ। जब
4000 की जगह 2900 का बिल उनके घर, 29000 का बिल उनके पास मांगे। बात करते हैं कुछ बातें आपकी स्वयं की। लखन गंगोरिया जी, आपका स्वयं का एक बहुत बड़ा जनाधार है, फिर भी कुछ जगहों पर विवादों में नाम आ जाता है, क्या सोचते हैं? जनाधार अपनी जगह है जी, और जहाँ तक अपने अधिकारों पर लड़ने के लिए जी कोई विवाद का नाम दे तो स्वाभाविक है, उसको भी हम स्वीकार करते जी, उसको भी हम स्वीकार करते, विवाद हमारी तरफ से नहीं होते हैं जी, और यदि विवाद होते तो फिर जनाधार नहीं होता जी, हमारी तरफ से विवाद होते तो जनाधार नहीं होता। परंतु छवि कहीं ना कहीं खराब बनती है, खराब छवि पे भी असर पड़ता है आपके, कभी ऐसा लगता होगा, ऐसा क्या सोचना है? जहाँ तक के बहुत सीधी सी बात है कि हमारे जो विरोधी हैं जी, उनके मन में यदि हमारी अच्छी छवि होगी तो फिर वो विरोध कर क्यों करेंगे जी, अर्थात विरोधियों का ज्यादा हाथ होता है, स्वाभाविक है। आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं पूर्व क्षेत्र के वर्तमान विधायक अंचल सोनकर जी, आपकी यह स्पर्धा एक राजनीतिक स्तर पर अच्छी होती है, पूर्व क्षेत्र का माहौल एक अलग होता है, प्रतिस्पर्धा की भावना देखने को मिलती है चुनाव के वक्त, परंतु यह प्रतिस्पर्धा कभी ना कभी कहीं ना कहीं अराजकता में भी बदल जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा जी कि किसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है जी, लेकिन बहुत बड़ा कारण बनता है, बहुत सी चीजों को निर्धारित करता है जी, सोच वहीं डेवलप होती है। और जहाँ तक प्रतिस्पर्धा का सवाल है, राजनीति में लोगों को व्यापक सोच रखना चाहिए जी, राजनीति में ना तो जीत पे इतराया जाता है ना हार पे घबराया जाता है जी। प्रतिस्पर्धा की जहाँ तक बात है तो सक्रियता सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा का कारण बनती जी, निरंतर सक्रियता प्रतिस्पर्धा का कारण है, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, जिसकी जितनी सोच वो उस तरीके से काम करता है। मेरी तरफ से कभी किसी चीज पे ये नहीं हुआ कि प्रतिस्पर्धा अराजक रूप में मेरी तरफ से शुरू की गई हो या मेरे लोगों की तरफ जी, ये कभी नहीं हुआ और ये पूरा शहर देखने वाला है जी। विवाद बढ़ जाता है आपके गुट हो या अंचल सोनकर जी का गुट हो, चाहे बात कर ले कल्याण गुप्ता जी के घर की विवाद की, चाहे जित्तू ठाकुर जी के विवाद की, कोई ना कोई विवाद सामने आता है। आपने जो दो नाम लिए हैं जी, कल्याण गुप्ता हमारा एक बहुत सक्रिय और अच्छा पार्षद, जित्तू ठाकुर वहाँ हमारे एक स्तंभ है जी, तो जो स्तंभ है वो सामने वाले को खटकते हैं जी, है ना, मुझे तो सामने वाले का कोई भी स्तंभ नहीं खटकता जी। विवाद लेकिन होता है, इससे जनता को, जनता के मध्य समस्याएं उत्पन्न जरूर होती हैं। हमारी तरफ से जनता को ये तकलीफ ना पहले कभी थी ना आज। पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसमें गांजा, चरस, जुआ, सट्टा, इस प्रकार के अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं सबसे ज्यादा इस वक्त, और सबसे ज्यादा युवा वर्ग, चूंकि एक युवा वर्ग आपसे भी जुड़ा है, तो युवाओं को ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होते देख कितना बुरा लगता है, क्योंकि वो आपका पूर्व क्षेत्र रह चुका है। ये स्वाभाविक है और ये चिंता का विषय है, जब मैं 5 साल विधायक रहा तो लोग अब तुलना करने भी लगे। मेरी प्राथमिकता इस बात की रही कि चूंकि शैक्षणिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा है जी, रोज कमाने खाने वाले लोग वहाँ रहते हैं, आर्थिक अभाव भी उनको जी शॉर्टकट से कहीं ना कहीं पैसा कमाने की जुगत के लिए ले जाता है। मेरी कोशिश रही है कि वहाँ हम लोगों को शिक्षित कैसे करें, इसलिए मेरा पूरा फोकस रहा है जब तक मैं विधायक था जी कि स्कूलों के कमरे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों में यदि आप कहीं संख्या देखेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या उसी क्षेत्र में मिलती है जी। और उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो मेरी कोशिश रही कि सरकारी स्कूलों को विधिवत और अच्छे से जी
अच्छे से संपन्न करें जिससे लोग आकर्षित हों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, सुख सुविधाएं वहाँ अच्छी हों। इसलिए मैंने अपने कार्यकाल में 400 कमरे बनवाए थे सब स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत। और इस मत में इसके पहले ये मत लौट जाता था केंद्र सरकार का, मैंने ये कमरे बनवाए थे। सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता होती, मेरी प्राथमिकता थी कि मेरे क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा मिले जी, नौजवानों को रोजगार मिले जी, मेरी और बुजुर्गों को वहाँ इलाज मिले, ये मेरा अपना सोच था। आज की स्थिति में बड़ा विचित्र लगता है कि बच्चा जरा सा बड़ा हुआ उसको या तो सट्टा की पुड़िया पर्ची पकड़ा दी जाती है या स्मैक की पुड़िया पकड़ा दी जाती जी। ये उस क्षेत्र के साथ बड़ा और जिम्मेदार लोग जिनको जनता ने चुन के भेजा उनका संरक्षण, उनके संरक्षण में लोग ये कर रहे हैं और ये सर्वविदित हो गया था, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, ना ये आरोप है बल्कि सत्यता है जी। वर्तमान विधायक की सक्रियता कम है अपराध को कम करने के लिए, ये तो आम जन देख रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी से लेकर सारे लोग जनता देख रहे हैं। लखन जी का क्या कहना है उस क्षेत्र की जनता ने एक अराजक व्यवस्था से निपटने के लिए चुना था जी। इसलिए हमारी प्रतिबद्धता रही कि हम उस अराजक व्यवस्था को खत्म कर दें जी। और हमको इस बात पर फख्र है कि हमने उस अराजक व्यवस्था को खत्म करने के लिए भरपूर प्रयास किए। अमन पसंद लोग हैं जी, जो सीधे साधे काम धंधे वाले लोग हैं, जो सिर्फ अपना जीवन अच्छे से यापन करना चाहते हैं, अपराध से हट के जो रहना चाहते हैं, उनकी तादाद बहुत बहुत ज्यादा है जी। वो लोगों को यदि 4 लाखों की तादाद को यदि 10 लोग बर्बाद करने की कोशिश करते हैं तो हमारी प्राथमिकता ये होना चाहिए कि वो 4 जो पूरा माहौल गंदा कर रहे हैं उन पे अंकुश लगे जी, हमारे यहाँ के क्षेत्र की जनता को राहत मिले। लेकिन इस दौर में ये देखने नहीं मिला वो 4 जो हैं वो माला माल होते हैं जी और जनता परेशान। युवाओं का एक बड़ा समूह, आम जनता का एक बड़ा समूह, सभी के लिए दिन न रात आप हर वक्त खड़े रहते हैं, फिर भी आखिरी वक्त पर चुनाव में कैसे हार गए? आपको पराजय का जो सामना करना पड़ा ऐसा क्यों हुआ लखन जी? चुनाव के हालात, चुनाव की परिस्थितियां अलग थी जी। थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ये अंतर रह गया है अब जी कि कांग्रेस चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव खरीदती है या लूटती है जी। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में है जी तो जीत को इतराना नहीं चाहिए और हार के घबराना नहीं चाहिए जी। दौर आता है निकल जाता है जी। उस समय प्रशासन से हम चुनाव लड़े, पूरी सरकार हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी जी, एक पार्टी अकेली नहीं थी, कोई भी पार्टी हो से तो हम बहुत आराम से लड़ सकते हैं, लेकिन सरकार से लड़ने में कहीं ना कहीं हम चूके थे, पिछड़े थे ना। वो चूक हमारी जहाँ थी उसका हमने आत्मावलोकन किया है। आने वाले भविष्य में लखन जी की क्या योजनाएं हैं? चूंकि सक्रियता बराबर बनी हुई है आम जनता के मध्य और बीच में आवाजें उठ रही थी लखन जी सांसद के चुनाव के वक्त दावेदारी पेश कर सकते हैं, दिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे ये तो सब बेबुनियाद बातें हैं जी। अब लोग तो ये भी कहते हैं, कुछ लोग जो हमारे विरोधी है जी और कुछ लोग मध्य विधानसभा क्षेत्र में जो माननीय मंत्री के विधायक के विरोधी है उनकी पार्टी की जी जी, वो सब एक नया सुबू का छोड़ देते हैं कि भैया क्या आप उत्तर मंत्री से लड़ेंगे क्या? तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं जी। बहुत सीधी सी बात है, मेरा अपने कार्य क्षेत्र, मेरी अपनी कर्म भूमि पूर्व विधानसभा क्षेत्र जी, और जहाँ से मैंने सब कुछ लिया है, जहाँ के लिए मेरा समर्पण है, मैं वहीं सेवा करना चाहता हूँ। विरोधियों की आप बात कर रहे थे, बीच में आपने बोला कि कुछ विरोधियों द्वारा ऐसी बातें की जाती हैं, पार्टी के भी अंदर कुछ विरोधी होते हैं? ये तो सब जगह सारी स्थिति है, पार्टी के अंदर भी होते हैं जी, बाहर भी होते हैं जी, विपक्षी दल के भी लोग रहते हैं। तो जहाँ तक सवाल उठता है, हम पार्टी के अंदर के विरोध को बहुत ज्यादा जी वो मान के नहीं चलते कि बहुत ज्यादा वो हो। तो क्या पूर्व क्षेत्र में अगले विधानसभा की बात करते हैं, जो हो गया उसकी बात ना करके अगले विधानसभा की बात करते हैं, दबी आवाज में कुछ नाम सामने आते हैं, ये
सब प्रश्न पूर्ण नहीं हुआ मेरा। तेज कुमार भगत जी का नाम आता है कभी? लक्ष्मीबेन जी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, और आजकल एक नया नाम चल रहा है धर्मेंद्र सोनकर। देखो ये सब नाम अपनी जगह है जी, और सबको प्रयास करना चाहिए। सब राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं जी, और सबका समर्पण पार्टी के लिए है जी। यदि वो प्रयास करते तो उसमें गलत भी नहीं है, अर्थात दावेदारी पेश करना दावेदारी सबका सबका अधिकार जी। आपकी क्या इच्छाएं हैं? आप क्या पुनः लगभग जनता की तो यही मांग होती है कि लखन घनघोरिया जी कांग्रेस पार्टी से अपना नेतृत्व करें पूर्व क्षेत्र से। जहाँ तक हमारा सवाल है जी, तो मैंने पहले भी कहा कि मेरी पूरी सोच पूरा समर्पण जी अपनी विधानसभा पूर्व विधानसभा के लिए है कि हम वहाँ के बच्चों को जी कैसे शिक्षित कर पाएं, वहाँ के नौजवानों को कैसे रोजगार दिला पाएं, वहाँ के बुजुर्गों को कैसे स्वस्थ रख पाए, ये हमारी प्रतिबद्धता उस क्षेत्र के लिए और ये समर्पण है। जब तक मेरा जीवन रहेगा ये सेवा मुखी में करता रहूंगा पहले की। दूसरा रह गया सवाल, मातेश्वरी माँ नर्मदा का भक्त हूँ जी, यदि नर्मदा माई का आदेश हुआ, पार्टी का निर्देश हुआ दोबारा मुझे वहां से चुनाव लड़ने का जी, तो स्वाभाविक है कि इस आदेश को मेरी क्या विचार मेरी क्या औकात कौन काट पाएगा। यदि मातेश्वरी माँ नर्मदा चाहेगी जी तो उस क्षेत्र की सेवा वैसे भी कर रहा हूँ, लेकिन एक सेवक के रूप में फिर सामने आऊंगा। अगर आपकी बात पे हम गौर कर लें और ये समझ लें कि कांग्रेस हो सकता है जिस प्रकार से कुछ जगहों पर मेहनत करते दिख रही है सत्ता में आए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव में, ऐसा कौन सा चेहरा है जो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ चेहरे की है, तो ऐसा कौन सा चेहरा है जिसको आप मुख्यमंत्री बनते देखना चाहेंगे? मैं समझता हूँ, मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस के पास एक चेहरा ऐसा है जिनका राजनीतिक अनुभव जी खाली मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश ने अच्छे से समझा है, माननीय कमलनाथ जी हमारे नेता है जी। और मैं बेबाकी से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने छिंदवाड़ा देखा हो तो वो इस बात को भली भांति समझते हैं, और ये वही समझते हैं कि कमलनाथ जी देने वाले हैं लेने वाले नहीं जी। और कमलनाथ जी का राजनीतिक जीवन इतना बड़ा है कि जिनके लिए सारे नेताओं के मन में एक बात है कि वो उन सबके सर्वमान नेता है जी। और एक छवि जो शिवराज सिंह के ऊपर पे भारी पड़े वो माननीय कमलनाथ जी की है, और ये सौभाग्य होगा इस प्रदेश का यदि कमलनाथ जी इस प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बनेंगे। लखन घनघोरिया जी के दृष्टिकोण से कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री का सही चेहरा है। अब बात करते हैं हम प्रदेश सरकार के कार्यों की, देश के सरकार के कार्यों की। नोटबंदी को लेकर जो आप बार बार बोलना चाह रहे थे, अब हम बात करेंगे नोटबंदी को लेकर। एक रात प्रधानमंत्री जी का अध्यादेश आया और देश के हालात कुछ बदल गए, क्या कहना चाहेंगे लखन जी इस बारे में? ये हम लोगों की समझ से परे है। इस फैसले से सबसे ज्यादा सफर कोई वर्ग किया है तो है गरीब तबका जी, और दूसरा वर्ग आता है महिलाओं का, कि ये हालत हो गई है कि फाके की स्थिति आ गई है। महिलाओं की स्थिति ये है कि महिलाओं में एक प्रवृत्ति होती है सेविंग की, जोड़ने की। जब बच्चा पैदा होता है चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो जी, तब से महिलाओं की सोच उसके भविष्य को लेके चालू हो जाती है। यदि बेटी है तो उसके जेवर तक बनने, उम्र के हिसाब से जेवर तक बनना चालू कर देती महिला। और जिन घरों में पति डिफॉल्टर है उन घरों में महिलाएं आड़े वक्त में घर कैसे चले जी, इसके लिए सेविंग करती थी। फर्स्ट दिन हमने एक चीज बोली थी कि ये तुगलक शाही फरमान है मोदी जी का जी, तुगलक ही फरमान, तुगलक ही फरमान है ये हमने बोला था जी। और आज भी हम उस बात पे कायम है, हम रात में सोए कोई सपना देखा और सुबह उठ के हमने घोषणा कर दी क्या नोट बंद हो जाएंगे जी। आपने पहले उस चीज का अध्ययन किया, आपने अध्ययन करने के बाद क्या उसकी व्यवस्था की जी? कुछ नहीं किया। इस देश की 70% आबादी गांव में बसती है जी, और गांव में 20-20, 30-30 किलोमीटर तक बैंक नहीं होते।
यदि होते हैं तो जिला सहकारी बैंक रहती। आपने इन व्यवस्थाओं से जिला सहकारी बैंक को परे रखा। हमारे देश की आर्थिक आधार कोई है तो कृषि है, कृषि आधारित देश है हमारा। किसानों की कृषि पूरी आधारित होती है सहकारिता पर, लेकिन सहकारिता को आपने इससे बिल्कुल अलग रखा। आपने बहुत ज्यादा विश्वास किया बैंकों पे। यदि आप खुद कहते कि 6-7% लोग ऐसे थे जो काला धन जिनके पास था, तो काला अब तो पैसा लगभग पूरा जमा हो गया। तो लखन जी, क्या बुराई है अगर एक काले धन के को वापस लाने के लिए इस प्रकार का फैसला लिया गया है? हमको यही तो समझना है वो कि काला धन जब पैसा पूरा आ गया तो काला धन था कहाँ? अब जो पकड़ा जा रहा, नए नोट पकड़े जा रहे हैं, तो वो हमको ये समझा कि एक बड़ा व्यक्ति जो उद्योगपति है, जो जिनके कारण बैंक चलते हैं, बैंक का सबसे बड़ा ग्राहक है जी, उसको अपने बड़े ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए बैंक के मैनेजर से लेके सारे लोग लगे रहते हैं। सब जगह नोटों की बदली हो गई जी, पब्लिक के पास तो बाजार में नोट नहीं आए, बड़े लोगों के पास पहुंच गए। आप बोलते आतंकवादी, आतंकवाद से लड़ना है, आतंकवाद से लड़ने की ये बात ना करें मोदी जी, और ना भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करें जी। आतंकवाद की पहली घटना इस देश में हुई थी महात्मा गांधी की सीने पे गोली मारी गई जी 1948 में, है ना। आतंकवाद की से लड़ने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, सोच चाहिए, जज्बा चाहिए इंदिरा गांधी जैसा जी, छाती पे गोली खाने का, देश पे मर मचने का, राजीव गांधी जैसे चितड़े उड़ाने का जज्बा चाहिए जी। जिनने छिंगली नहीं उठाई वो आतंकवाद की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जिनने आजादी की लड़ाई में जी कभी जेल नहीं गए वो आतंकवाद की बात करते हैं। और हमको वो बता देना, अब आतंकवादी पकड़े जा रहे तो नए नोट कहाँ पे आ रहे जी। सवाल इस बात का उठता है कि क्या 7% लोग भ्रष्ट थे, उनके आचरण में भ्रष्टाचार था, काला धन था, तो उन 7% लोगों के लिए आप 93% लोगों को क्या सजा दो? ये लाजिक मोदी जी का कहां तक उचित है? और अब तो ये जब पब्लिक कहने लगी, मीडिया एक प्रो मोदी हो गया था और एक एंटी मोदी हो गया था जी। प्रो मोदी की संख्या बहुत ज्यादा थी, कुछ दिन मीडिया ने दिखाया, सब जगह की कतार लगी जी। कतार में प्रश्न भी वो होते थे जिसमें अपने आप में उत्तर होता था। प्रो मोदी जो मीडिया था वो पूछता था कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, काला बाजार धन के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी, आपका क्या कहना? किसी से भी आप ये प्रश्न पूछोगे वो बोलेगा अच्छा किया। परंतु लखन जी, यहाँ मैं आपको बोलना चाहूंगा, मीडिया वही दिखाता था जो आम जनता की भावना दिखा थी। मीडिया यदि ये दिखाता तो आज मीडिया ये नहीं कहता कि अराजक स्थिति हो गई जी। आज मीडिया कह रहा कि देश में अराजक स्थिति हो गई। अब यथार्थ पे मीडिया आ रहा जी, अर्थात उस वक्त मीडिया गलत दिखा रहा था। उस वक्त मीडिया खुद भी नहीं समझ पा रहा था। आप सोचिए, पेटीएम को आप 2.5% देंगे, जिस देश की 50% जनता आज भी बैंकिंग नहीं करती जी, ना बैंकिंग जानती जी, इनोसेंट है, वहां पेटीएम की आप बात कर कैसे सकते हैं? आप किसी कपड़े वाले व्यापारी के यहाँ जाओ, कपड़ा कटा और उसके पास मशीन रखी हो, पता चला सर्वर डाउन हो गया। अब वो दुकानदार रो रहा है 2 घंटे से सर्वर नहीं आया, ग्राहक कपड़ा कटा का कटा रखा रह गया, ग्राहक चलेगा जी। अब किसी को 2 रुपया की धनिया चाहिए, नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए पिसी, वो क्या पेटीएम में जाएगा? तो हम कैशलेस की बात मोदी जी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको ये बता, मोदी जी सपनों की दुनिया से बाहर कब निकलेंगे जी? सिर्फ बातों से देश नहीं चलता। तो हम कैशलेस प्रणाली की आज बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ऐसे तो देश हमारा पीछे ही जाता है। आप हमको बता दीजिए कि अमेरिका बहुत संपन्न देश है जी, विश्व की महाशक्ति है, कितना कैशलेस है? तो आपने बगैर सोचे समझे ये फैसला लिया, और आपने ये नहीं सोचा कि इसमें कौन सा वर्ग प्रभावित होगा। आज आप सब्जियों की हालत देखिए, जबलपुर में हमारे यहाँ सबसे बड़ी मंडी कहलाती थी मटर की, आज मटर वालों की स्थिति देखिए, पूरा धंधा चौपट बैठा। बुंदेलखंड से जो लोग गए थे दिल्ली बम्बई बड़े बड़े शहरों में, वो पलायन कर रहा है, वापस लौट रहा है, काम नहीं। तो जब आपके पास ये तैयारियां नहीं थी, आपने जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लिया पेट्रोल पंप पे, आपने विश्वास कर लिया बैंक पे, अब आप कह रहे हैं कि बैंक के मैनेजर भ्रष्ट हो गए, तो ये मौका किसने दिया?
काला धन की कालाबाजारी, धन की कालाबाजारी करने का मौका किसने दिया? भ्रष्टाचार को बढ़ावा किसने दिया? आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया। और आतंकवाद से लड़ने की बात है तो मौलाना आजम मसूद को कौन कंधार छोड़ के आया? किसके शासनकाल में संसद के ऊपर हमला हुआ? इन चीजों पे भी बात करना चाहिए जी। कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं, कम से कम किसी भी प्रकार की कोई संवेदना सरकार द्वारा व्यक्त नहीं की गई। और उल्टा ये कह दिया, उल्टा ये कह दिया गया, संवेदना व्यक्त करना तो छोड़ दो, संसद में यदि कोई बड़े भाजपा के नेता ये कहते हैं कि ये तो आम घटना है, एक तो दो लोगों की मौत हो गई, लेकिन सरकार के चेहरे पे जरा सी शिकन नहीं आई। और इस फैसले ने सब कुछ इनका चेहरा से लेके सोच को भी नकाब कर दिया है। मनमोहन सिंह ने कहा है देश अर्थव्यवस्था के मामले में 10 साल पीछे चला गया है। सौभाग्य के ऐसे आदमी को इस बात के लिए बहुत तकलीफ होगी, वो अर्थशास्त्री है। वो हमने पूछा कि आप बताइए विश्व का कौन सा देश है जिसमें ये हो कि हमारा पैसा और हम ना ले पाए, हम उपभोग ना कर पाए। कल को इनका तुगलकी फरमान आ जाए कि जिनका पैसा बैंक में वो सब राष्ट्रीय हो गया। इसी का विरोध इतना ज्यादा हुआ कि किसी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संसद नहीं चलने दी गई। स्पष्ट बात है कि मोदी जी की जवाबदेही संसद के प्रति ज्यादा है, क्योंकि वो दोनों सदनों के नेता हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी बाहर आके कहते हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा जी। और बड़ा विचित्र लगता है कि देश का प्रधानमंत्री बोले, मुझे स्पष्ट बहुमत रख के बोले कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता इसलिए मैं बाहर बोलता। देश का प्रधानमंत्री बात करते करते रोने लगे, ऐसा प्रधानमंत्री हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। देश का प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता, मेरी हत्या हो सकती, इतना डरा थे प्रधानमंत्री हमने तो पहले कभी नहीं देखा। सत्ता ने विपक्ष पे ठीकरा फोड़ा, विपक्ष ने सत्ता पे ठीकरा फोड़ा, ये बलि आम जनता की चढ़ रही है। ये तो निर्भर करता है सत्ता पक्ष पे कि वो कैसे सदन को चलाए। वो साथ में लेके नहीं चलना चाहते, किसी को अपनी हिस्ट्री में चलना चाहते। आज देश के हालात ये बन गए जी, तो इसका ठीकरा के विपक्ष के हाथों नहीं होता। इनने इसके पहले ये भी विपक्ष में थे, इनने कितने अच्छे सकारात्मक सहयोग दे दिया कभी तक किसी सरकार। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 12 साल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्या दृष्टिकोण होता है? शिवराज सिंह जी दिखने में बड़े अच्छे इंसान है, सिर्फ दिखने में, बात करने में बड़े अच्छे इंसान है, सिर्फ बात करने ना। व्यापम के छींटे से शिवराज सिंह जी बच नहीं सकते जी, उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो कुछ भी करे, लेकिन ये सच्चाई है क्योंकि 2008 में विधानसभा में उनने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया था कि व्यापम के माध्यम से, और ये ऑन रिकॉर्ड है, उनने कहा था कि 1000 नियुक्तियां फर्जी हैं। और व्यापम उजागर हुआ जब 2008 में उन्होंने ये कहा, तो 2013 में व्यापम ने जोर पकड़ा जी, तब से 12-13 से जांचें शुरू हुई, 8 से 12 तक के बीच में जो नियुक्तियां हुई थी, विवाद तो उसी बात का है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, विवाद तो उसी बात का है। इस बात से शिवराज सिंह जी इनकार नहीं कर सकते कि उस समय बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। आप प्रदेश के मुखिया थे, इसका दोष किसके सर पे जाएगा? 1,41,000 नियुक्तियां हुई उस दौर में, और 80 सेवाओं में व्यापम के माध्यम से नियुक्तियां हुई हैं। आपने स्वीकार किया और सबने स्वीकार किया, पहला ऐसा केस देखा हमने जिसमें 3 तरीके का अपराध, बच्चों को जो काबिल बच्चे थे उनको एडमिशन नहीं मिला, जो अमीरों के नालायक बच्चे थे वो डॉक्टर बने, दूसरा सरकारी नौकरी में आप सोचिए जिनकी 34 साल उम्र हो गई और जो डिजर्व करते रहे उनको नौकरी नहीं मिली, और फिर लगातार कम से कम 50 लोगों की हत्याएं जी, हत्या आत्महत्या वो अपनी जगह, लेकिन ऐसा कभी प्रदेश में कभी नहीं हुआ। उसके बाद शिवराज सिंह जी बहुत रिश्तों की बात करते, बहुत स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने हार्ड डिस्क के मैटर में ये कह दिया कि ना हम इसको स्वीकार करते हैं ना हम इसको निरस्त करते हैं, ये ट्रायल कोर्ट में जाए जी। उसके बाद भाजपा अपने खुदफहमी में सब जगह जश्न मनाने में जुट गए जी। उसी समय कोर्ट की वजह शिवराज सिंह के और देश की सरकार
सीबीआई डाक की घोषणा करती तो हम लोग मान लेते कि शिवराज सिंह जी बहुत साफ बात है। अभी अचानक से शिवराज सिंह जी में एक नए भाव पैदा हो गए। रात में सोए बोले नर्मदा जी की व्यथा देख के हम बैठे थे, नर्मदा के किनारे पैदा हुए शिवराज सिंह जी 12 साल से मुख्यमंत्री है, 12वां साल लग गया और अब उनको नर्मदा जी की सुध आई। दरअसल हकीकत ये कि शिवराज सिंह जी को ये लगा कि एक बहुत बड़ा पाप उनसे हो गया है, वो पाप उसी अमरकंटक की पावन भूमि पे हुआ है, उसका प्रायश्चित करने शिवराज सिंह निकल रहा है कि नर्मदा माई नाराज है, कुपित है, इनसे श्राप देगी, इसलिए नर्मदा माई की सेवा कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। और पाप ये हुआ है कि नर्मदा माई की बेटी कुंवारी वो भी हिमाद्री सिंह जो अमरकंटक नर्मदा माई का आशीर्वाद मिला पुष्पराजगढ़ विधानसभा से वो जीती है जी। शिवराज सिंह के तंत्र ने उसके साथ बेईमानी की और ये खौफ शिवराज सिंह को सता रहा है कि नर्मदा माई का श्राप इनको ले डूबेगा, इसलिए पूरे प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा हमारी आस्था है, नर्मदा हमारी जीवन दायिनी है और हम तो नर्मदा माई के भक्त हैं और ये कोई प्रचार की वस्तु नहीं है नर्मदा जी, नहीं ये तो आस्था का प्रश्न है। शिवराज सिंह जी पाखंड कर रहे हैं नमामि देवी नर्मदे के आड़ पे, नमामि देवी नर्मदे के आड़ में पाखंड कर रहे हैं और अपने आप का पश्चाताप कर रहे हैं जो पाप हमने किया, जिस बेटी को घर पे बुला के हमने बोला कि भाई हमारे 2 बेटे हैं, तीसरी आज से तुम हमारी बेटी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो, और उसने इनकार कर दिया, उसके साथ बेईमानी की चुनाव में, उस बात का ये प्रायश्चित करने के लिए निकले। इतनी बुराइयां शिवराज सिंह चौहान में उसके बाद भी 12 साल से अभी तक सत्ता में क्यों? अब आने वाले समय देख लेना। परंतु उनकी प्रसिद्धि आम जनता में अभी भी बनी हुई है लखन जी, कहीं इसका ये तो आशय नहीं निकलता कि कांग्रेस अपना एक चेहरा नहीं ऊपर से दिखा पा रही है प्रदेश स्तर पे? ये संभव है, ये बहुत स्पष्ट बात है कि जिस दिन हम शिवराज सिंह की छवि से बड़ा चेहरा सामने खड़ा कर देंगे उस दिन शिवराज सिंह खुद भौंक जाएंगे जी। जाते जाते हमारे दर्शकों को, आम जनता को, शहर के युवाओं को, आने वाले राजनीति में प्रवेश करने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नर्मदा माई की पावन भूमि है, ये हमारा सौभाग्य कि हम नर्मदा माई की गोद में बैठे, गोद में बसे, लेकिन इतने झूठ और पाखंड को हम सह के रह रहे हैं। इसके लिए जरूर जबलपुर के तमाम नौजवानों से, संस्कार धानी की तमाम माताओं बहनों के खूब देख लिया, अच्छे दिन सब कुछ सामने आ गया। 12 साल बाद नर्मदा माई की याद जिनको आ रही है, अचानक ख्याल आया और कमाल हो गया का पर्दाफाश होना चाहिए। और सबसे अनुरोध है, सबसे विनम्र अपील है कि यथार्थ की जमीन को पहचाने, रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं होते, रिश्तों का निर्वाह हो, ढोंग प्रपंच पाखंड ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता, और सब मिलकर इन सारी चीजों को बेनकाब करें। बस यही हमारी सबसे गुजारिश है, शहर की एकता अखंडता सार्वभौमिकता बनी रहे, भाईचारा सद्भावना का वातावरण बना रहे, अपने परिवार का विकास करे, अपने बच्चों का विकास करे, ये हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होना चाहिए। इसके लिए यदि सम्मिलित प्रयास हो और शहर के विकास के लिए सम्मिलित प्रयास हो, ये स्मार्ट सिटी का पाखंड से हम बाहर निकलें और शहर के समग्र विकास की ओर बढ़ें, ये जरूर अपील हमारी और गुजारिश शहर के आमजनों से। वक्त हो चला है आपसे, दर्शकों से विदा लेने का, अगली बार एक नए मेहमान के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे सृजन शुक्ला इजाजत दीजिए, नमस्कार।